आजकल बाजार में 2000 रुपए के नोट ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ, वह गुलाबी सा सुंदर सा नोट कहाँ गया, जिसके बारे में काफी मिथ छिपा था कि इसमें चिप लगा हुआ है और जिसे ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन आपको क्या याद है कि आपने आखिरी बार 2000 रुपए का नोट कब यूज किया था? शायद आपको थोड़ा थोड़ा याद हो, क्योंकि अब मार्केट में वो दिखता नहीं है। इसके बारे में सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी कि 2020-21 से 2000 के नोट छापना बंद कर दिया गया था। तो फिर आपके जहन में ये प्रश्न होगा कि तो पुराने वाले 2000 के नोट कहाँ चले गए? आरबीआई के अनुसार 2019 में 1,00,000 रुपए में 2000 नोटों की संख्या लगभग 32,000 होती थी, जो 2021 में घटकर 24,000 हो गई। कुल 30,00,000 करोड़ सर्कुलेशन में 2000 नोट का जो वैल्यू था वो 2019 में 6,58,000 रुपए था, जो घटकर 2020 में 4,90,000 हो गया। आखिर क्यों नहीं छाप रही है सरकार 2000 के नोट? पहली बात कि इसकी जमाखोरी हो रही थी और सरकार को लगता था कि आने वाले समय में यह बहुत बड़े काले धन के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। दूसरा कारण जो गौड़ है कि इसकी छपाई थोड़ी महंगी आती थी, इसकी कास्टिंग क्या थी, महंगी आती थी। 2017 में 2000 नोटों की जो प्रिंटिंग की गई थी वह 3,500 मिलियन की गई थी, जो 2018 में घटकर 111 मिलियन हो गई, लेकिन जो 2019 में घटकर 46 मिलियन हो गई और 2020-21 से वह 2000 का नोट छपना बंद हो गया। आपने कोई कभी ये भी नहीं याद आ रहा होगा कि आपने कभी बैंक से पैसा निकाला तो उसमें 2000 के नोट थे या नहीं थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।